यही सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि एक तो सर्जिकल स्ट्राइक की जो तैयारी हो रही है और जो नागपुर कोर्ट की जो बात आई है सामने में, उससे बाप बेटे घबरा करके खुद को मुख्यमंत्री का दांव चल करके और अघाड़ी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश हो रही है, भारतीय जनता पार्टी को डराने की कोशिश हो रही है और उधर अदालत को भी इन्फ्लुएंस करने की, एक अपरोक्ष रूप से इन्फ्लुएंस करने की तैयारी हो रही है। लेकिन मोटा भाई, ये गृहमंत्री जो 7 साल से कुर्सी पर बैठा है, इसको पता नहीं है क्या ये सब उद्धव के साथ पॉलिटिक्स खेल रहे हैं? असली कल्प्रिट यही लोग हैं। अब देखिए दीप मोहन जी लिख रहे हैं, अब सुनिए अब आप बात। अभी मैंने कहा ना कि मैं खोलना नहीं चाह रहा हूं, अगर खोल दूंगा तो बाढ़ आ जाएगी और फिर आप परेशान हो जाएंगे। इतने लोग नाराज हैं, अगर आप इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व नहीं करेंगे तो आप दिक्कत में पड़ने वाले हैं। एक बात मान के चलिए आप, ये जनता के बीच ये संदेश जा रहा है कि सरकार सिर्फ राजनीति के लिए इस केस में कुछ नहीं कर रही है। और नहीं तो आप संदेह हटा दीजिए, सारी जनता आपके लिए ताली बजाएगी। और मैं तो आपके लिए ताली नहीं, मैं प्रीति भोज दे दूंगा अगर आपने ये काम कर दिया। कर दिया का मतलब न्याय कर दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जैसा प्रशंसक चाहते हैं वैसा कर दीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आप न्यायोचित बात कर दीजिए। मिडिल क्लास का आंदोलन करने की आदत होनी चाहिए, नहीं तो सहते रहो। ठीक कह रहे हैं, मिडिल क्लास को आंदोलन करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, नहीं तो आप सहते रहो। उद्धव उसका बेटा सुशांत का कातिल है, भारती त्रिवेदी। सर मोदी सरकार सहारा निवेशकों का पैसा देना चाह रही है क्या? देखिए सहारा वाले भी पूछ रहे हैं आपसे, मिडिल क्लास का आंदोलन करने की आदत होनी चाहिए, नहीं तो सहते रहोगे। आरएस, नो वोट फॉर बीजेपी। अब देखिए लोग क्या करें, नो वोट फॉर बीजेपी। सच में मोदी जी एक कमजोर नेता है, सिर्फ बातें। निमू लामा लिख रही हैं, सच में आप एक कमजोर नेता है। अब बताइए आप, आपको कमजोर नेता कहा जा रहा है, कायर नेता कहा जा रहा है, आपको कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचारियों के साथ आपने साठगांठ कर लिया है। इंडिया का लॉ बहुत लचर है, स्पेशली गरीब के लिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मनोज सिंह लिख रहे हैं कि गरीब लोगों के लिए इंडिया का लॉ बेहद लचर है और इस वजह से लोगों को रिलीफ नहीं मिल रहा है। ये हालात हैं। मैंने आपको बताया कि जब मैं लोगों की प्रतिक्रिया लेना शुरू करूंगा तो लोग चुप नहीं होंगे और अगर मैं इसे घंटों खोल के रखूं तो घंटों लोगों का रिएक्शन आप देख सकते हैं, इस कदर लोगों में नाराजगी है। इंडिया का लॉ बहुत ही लचर है, एकदम ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूं, इंडिया का लॉ बेहद लचर है। मित्रों, मोदी जी भ्रष्टाचार से पैसा लेकर उनको अपने पक्ष में करते हैं, बेस्ट लोग नील कभी नहीं हो जाते। भ्रष्टाचारियों का साथ ले रहे हैं मोदी जी। प्रणब कुमार लिख रहे हैं, कोर्ट भी अब ब्लैक बक केस में सलमान को सम्मन नहीं करता है। ठीक बोल रहे हैं, वो सलमान खान ने जो हत्या की थी उस केस में अब कोर्ट उसको कोई सम्मन उम्मन करता नहीं है, सिर्फ 56 इंच का सीना कर कहते हैं, ताकत नहीं दिखा रहे हैं मोदी जी। ठीक बोल रहे हैं, 56 इंच का सिर्फ सीना दिखाते हैं तो अपनी बात दिखाइए भी, ताकत भी दिखाइए। इस प्रकार से देखिए लाइव में लोग आपको अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। मित्रों, आप सब इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए और जो अभी ये जो लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा है, अगर आप साथी चाहें तो उसको ट्विटर हैंडल पे ट्वीट भी कीजिए, अपने अपने अलग ट्विटर हैंडल से, ताकि ये संदेश जाए कि लोग कितने नाराज हैं और इस मुद्दे को छोड़ने वाले नहीं है, किसी भी सूरत में इस मुद्दे को छोड़ने वाले नहीं है। तो एक तो सर्जिकल स्ट्राइक होने वाला है, बाप बेटे जो रणनीति बना रहे हैं, मुख्यमंत्री बनने का सपना सजो रहे हैं, वो होने नहीं देंगे। और अगर कोई तालमेल फडणवीस और उद्धव के बीच में बनने की योजना है तो उस पर हम लोगों की नजर रहेगी और महाराष्ट्र सरकार से अनुरोध है कि वो एसआईटी को एक्टिव करे, वरना चुनाव आ रहा है, आपको पता चल जाएगा। आपको लग रहा है कि बंगाल के मुद्दे पर जो हिंदू सेंटिमेंट है वो आगे बढ़ेगा और आपको वोट मिल जाएगा, आप सोच रहे हैं, लेकिन ये तभी हो पाएगा जब आप इस केस में न्याय करते, न्याय करिए।
राजनीति मत कीजिए प्रधानमंत्री जी और गृहमंत्री जी और देवेंद्र फडणवीस जी और एकनाथ शिंदे जी। मैं आप सबसे हाथ जोड़ करके आग्रह करता हूं कि राजनीति बंद कीजिए, न्याय दीजिए, लोगों का भरोसा बहाल कीजिए, राजनीति पर बहाल कीजिए। और न्यायालय से आग्रह कर रहा हूं कि आप अगर इसी तरीके से इग्नोरेंट बने रहेंगे और लोगों को लाचार करते रहेंगे तो न्याय पर से भी भरोसा उठ जाएगा, और ये अच्छे संकेत नहीं है एक देश के लिए, ये एक समाज के लिए, एक सभ्य समाज के लिए, एक सभ्य देश के लिए, एक विकसित तेजी से विकासशील देश के लिए, विकसित होने वाले देश के लिए अच्छी बात नहीं है। तो आप अपनी निगाह आंख कान खोल करके रहिए, आपने हमारा साथ दिया है। और SSR वॉरियर से मैं आग्रह कर रहा हूं वीडियो को शेयर करते जाइए, और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कीजिए, वो तो कर ही रहे हैं आप। इस लड़ाई को मैं सब्सक्रिप्शन व्यूज इससे मैं नहीं जोड़ता हूं, ये लड़ाई हमारे और आपके संगठित होकर के न्याय की लड़ाई है, इसमें हम सभी एकजुट बने रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। गन्ने की कड़ी बुनियाद जिसे मराठी में खुड़किया और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।